क्वेल ये है किया कि EV6 ये गाड़ी भारतीय बाजार में 2 साल से बिक रही है, लेकिन हमने सोचा आपको एक बार दोबारा रिफ्रेशर कोर्स दे दें इस गाड़ी के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि इसके पास अब नया एक अराइवल आ गया है, इसके अगेंस्ट एक नया अराइवल आ गया है, सेडीज की EQA जो भी हाल फिलहाल लॉन्च हुई है। रफली प्राइस पॉइंट दोनों गाड़ियों का सेम ही है, तो क्या बनाता है EV6 को खास और क्यों ये गाड़ी आगे है अपनी मर्सिडीज की राइवल से, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आपको सेम प्लेटफॉर्म पर दूसरी गाड़ी खरीदनी है तो Hyundai की आइओनिक 5 भी आप ले सकते हैं, इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा कंपेरेटिव है इस गाड़ी से। एनीवेज, माय नेम इज आशीष मसी, इफ यू कम टू दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज सब्सक्राइब टू इट, एंड अगर आपको ये पढ़ने का शौक है, वेबसाइट पर स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी times.in वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डाल दिया है। आज हम आपको बताते हैं EV6 के बारे में और क्यों ये इतनी वेल रिस्पेक्टेड और इतनी वेल रिवॉर्डेड कार है सब जगह पर। वेल, अगर हम बात करते हैं इसके लुक्स की, तो बाहर से आप देखेंगे इस गाड़ी को तो आप कहेंगे वाह किया ने क्या गाड़ी बनाई है। इनफैक्ट रोड पर जो लोग चलेंगे वो भी आपको देख के बोलेंगे वाह आपने वाकई एक अच्छी और स्टाइलिश कार खरीदी है। सामने अगर हम बात करते हैं बॉनेट लाइन की, तो यहाँ पे आपको पावर ग्रिल्स मिलते हैं, हालांकि इसके अंदर कोई आई सेंसर नहीं आता है, लेकिन फिर भी पावर ग्रिल्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर फुल LED ट्रीटमेंट है, हेडलैम्प्स के लिए प्रोजेक्टर लैम्प्स हैं यहाँ पे, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अग्रेसिव डिज़ाइन दे रखा है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्होंने स्कल्प्टेड बम्पर दे रखा है, एक डिज़ाइन दे रखा है जिससे कि स्पोर्टी और एक स्पोर्ट्स कार की तरह लगती है। यहाँ पे हल्की क्रोम की पट्टी और यहाँ पे छोटे छोटे फेंट्स जो कि वाकई एरोडायनामिक एफिशिएंसी के लिए अच्छे से काम आते हैं। यहाँ पे सेंसर्स, यहाँ पे ऑफकोर्स रेडार, और यहाँ पे कैमरा, क्योंकि इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा आता है, और रेडार और सेंसर्स से ही ये आपको ADAS के Level 2 फीचर देती है। मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स इन एनी मार्केट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द EVs बट अक्रॉस सेगमेंट्स। अगर आप बात करते हैं टॉप 10 गुड लुकिंग कार्स की, तो EV6 का नाम जरूर होना चाहिए। वेल, अगर आप बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो आप देखेंगे जो टायर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़े टायर हैं, 235 सेक्शन के टायर हैं, 19 इंच के इनके एलॉय व्हील्स हैं, और जो एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन ये भी एरोडायनामिक्स के हिसाब से बना है। तो सामने से आपने देखा था कि कुछ कट्स वगैरह थे एरोडायनामिक्स के लिए, यहाँ पर भी वो कट्स वगैरह हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके लुक्स की, तो यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है, जो विंग मिरर होता है उसमें बहुत ही बड़ा विंग मिरर है, तो उसके अंदर कैमरा मिलता है। कैब फॉरवर्ड डिज़ाइन यानी कि कैब का जो पार्ट है वो आगे है, और बॉनेट वगैरह छोटा है। दरवाजे हैंडल जो है खोलने का स्टाइल आप देख चुके हैं किसी और गाड़ी में, किस SUV की बात कर रहा हूँ मैं, आप मुझे कॉमेंट से नीचे बता सकते हैं। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह आप देख सकते हैं ठीक ठाक है, ब्लैक पट्टी दे रखी है कलर ताकि मोनोटोनी टूट जाए। वजह से बात करते हैं गाड़ी के लुक्स के पीछे से, तो आप देखेंगे एक स्लोपिंग रूफ लाइन है, एक छोटा सा स्पॉइलर यहाँ पर है, और एक छोटा सा जो इन्होंने यहाँ पे लैम्प का ट्रीटमेंट दे रखा है, ये भी एक स्पॉइलर तरह डिज़ाइन दे रखा है। ये कनेक्टेड बीम वाकई जलती है रात में, और यहाँ पे C-सेक्शन दे रखा है। अब ये डिज़ाइन आपने पहले भी कभी देखा होगा, आप मुझे बता सकते हैं किस गाड़ी पे देखा है, जिस गाड़ी पे भी आपने देखा है नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। यहाँ पे GT-Line की बैजिंग, और साथ ही साथ यहाँ पे EV6 की बैजिंग, और नीचे की तरफ सेंसर्स वगैरह, और ये ब्लैक मिरर पट्टी दे रखी है ताकि जो मोनोटोनी है एक ही कलर की वो थोड़ी सी टूट जाए। मेरे हिसाब से इट्स अ स्पोर्टी डिज़ाइन, इट्स एन SUV-like डिज़ाइन, बट इट स्टिल हैज़ अ वेरी यूथफुल एंड मस्कुलर कैरेक्टर, एंड आई थिंक डिज़ाइन के मामले में इस गाड़ी को हमें देना चाहिए 10 में से 10 का स्कोर। बहुत ही आलीशान और उम्दा लुक्स है। वेल, तो मैं आ चुका हूँ अब किया EV6 कैबिन के अंदर, और बहुत ही आलीशान कैबिन। अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, क्वालिटी एक नंबर है। यहाँ पर आपको मिलता है ग्रे फिनिश, और यहाँ पर इन्होंने स्ट्राइप्स वगैरह बना रखे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर AC कंट्रोल्स, और नीचे जो यहाँ पे AC के नीचे कंट्रोल्स हैं AC के, वो डुअल कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे एक बटन दबाएंगे तो AC कंट्रोल्स बच जाएंगे, या फिर आप बटन दबाएंगे तो वो बच जाएंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल यानी कि मीडिया सेटअप, रेडियो और मैप्स वगैरह के, तो ये आपने Hyundai वरना भी देखा होगा, और ये आपने कुछ और गाड़ी में देखा होगा कि और Hyundai की रेंज में ये एक फीचर है जो कि और Hyundai शेयर करते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले की, तो बहुत ही आलीशान है, सेम Hyundai Ioniq में भी आता है, Hyundai Ioniq 5 में तो वही सेम सेटअप है यहाँ पर भी, और ऑफकोर्स ब्रांडिंग किया की है, यहाँ पर भी सेम सेटअप है, सिमिलर सेटअप है, और बहुत ही अच्छी मेन्यूज़ वगैरह हैं। आप चाहे तो इसका लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, कुछ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। बीच में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि बैटरी कितनी बची है, रेंज क्या है, या फिर आप किस डायरेक्शन में गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ADAS फीचर्स जो इस गाड़ी में आते हैं Level 2 वाले, वो कौन सा फीचर चल रहा है। बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आपको मिलता है
लेन कीप असिस्ट आपको मिलता है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, साथ ही साथ ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट वगैरह भी आपको मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो पैल शिफ्टर्स दे रखे हैं पीछे, आप कहेंगे कि ये तो एक इलेक्ट्रिक कार है, इसके अंदर पैल शिफ्टर्स का क्या जरूरत है? वेल, रीजनरेशन लेवल्स को ऊपर या नीचे करने के लिए यहाँ पे पैल शिफ्टर्स दे रखे हैं। और इस गाड़ी को आप वन पैल टेक्नोलॉजी के साथ भी चला सकते हैं। वन पैल टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली आप रीजनरेशन मोड को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि जैसे ही आप एक्सेलरेशन हटाएंगे, जैसे ही आप पैर हटाएंगे एक्सेलरेटर से, गाड़ी एकदम स्लो हो जाती है और ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि ब्रेक पूरे दब गए हैं, ब्रेक ले रही है गाड़ी। तो ये शहर में स्लो सिटी स्पीड पर आप चलाते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है। ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर जब चलाते हैं तो आप अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको ब्रेक वगैरह दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, स्लो स्पीड में चलाएंगे तो सही है, फास्टर स्पीड पर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाएगी हाईवे पे, तो वहाँ पे आप रीजनरेशन मोड को हल्का कर सकते हैं और गाड़ी को यू नो क्रूज टाइप की कंडीशन में डाल सकते हैं। आपको हेड अप डिस्प्ले भी मिल जाता है गाड़ी में, और आपको एक सनरूफ भी मिल जाता है जो आजकल सबका फेवरेट फीचर है। कूल फ्रंट सीट्स इज अनदर बिग बेनिफिट। एंड आई हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग मेंशन अबाउट द मेरिडियन साउंड सिस्टम। जो मेरिडियन का साउंड सिस्टम इस गाड़ी के अंदर है बहुत ही आलीशान है, बहुत ही बेहतरीन है, एकदम चुम्मा क्वालिटी का है ये। इसके अंदर जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही आलीशान है, चाहे आप बात करें ट्रेबल की, चाहे बात करें बेस की। अगर आप कॉन्सर्ट हॉल जैसा साउंड लेवल चाहते हैं तो आपको इस गाड़ी में बैठना चाहिए, वाकई बहुत ही अच्छा साउंड सिस्टम है। अगर हम बात करते हैं और फीचर्स की, तो आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, साथ ही साथ ऑटोमेटिक वाइपर्स और USB टाइप सी और ओल्ड स्कूल यहाँ पे, लेकिन यूएसबी का पॉइंट देखा बहुत दूर है, तो यहाँ पर भी आपको एक USB टाइप सी मिल जाता है और 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे, बीच में ट्रे, यहाँ पे बहुत सारा सामान रख सकते हैं। तो ये थी इस गाड़ी कुछ फीचर्स, कुछ खूबियाँ। सीट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, आप चाहें तो इनको यू नो हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं, एंगल भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, और अपनी फेवरेट और अपनी मोस्ट कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन आराम से आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी एडजस्ट रहता है बोथ फॉर रीच एज वेल एज फॉर रेक। ओवरऑल आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द KIV6 कैबिन। मैं दूंगा इस कैबिन को एक बहुत ही आलीशान स्कोर, 10 का 10 में से। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं क्या पीछे भी ये इतना बेहतरीन कैबिन है या पीछे कुछ कमियाँ हैं। वेल, तो मैं आ चुका बैक सीट में KIV6 की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नी रूम काफ़ी अच्छा है। फ्रंट सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, मेरी हाइट है 5'10", तो अगर आपका ड्राइवर या आपका शॉफर 5'10" 5'11" का है तो आपको स्पेस नी रूम के मामले में अच्छा मिल जाता है। हेडरूम भी ठीक ठाक है अगर आप 5'10" से या 5'11" के हैं तो। हाँ, अगर आप 6 फीट से ऊपर के हैं या 6 के हैं तो हो सकता है कि आपके बाल यहाँ पे हल्के से रगड़ जाए और आपका हेयर स्टाइल चेंज हो जाए। एक चीज़ लेकिन जो भी लगता है प्रूव करी जा सकती थी, वो है कि जो आपका एंगल है, जो आप बैठते हैं नी और हिप का जो एंगल है, आप काफ़ी नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि उसका बैटरी पैक वगैरह वो नीचे है, यहाँ पे सीट्स के नीचे भी थोड़ा सा है और थोड़ा सा दिखी वाले एरिया में, बूट वाले एरिया में। हाँ, एक चीज़ जो मेरे हिसाब से इम्प्रूव करी जा सकती है वो ये है कि जो इसका नी और हिप एंगल है ये थोड़ा सा इम्प्रूव करा जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं ये बड़ा ही ऑकवर्ड पोजिशन पर है, इट्स नॉट एट 90 डिग्री, वो इसलिए क्योंकि जो इसका बेस है सीट का काफ़ी नीचे है और इसके नीचे बैटरी पैक वगैरह है और थोड़ा सा बैटरी पैक फूट की तरफ है, तो उसकी वजह से जो सीट्स वगैरह नीचे रखनी पड़ेगी। रुचि करते हैं और भी तो यहाँ पे आपका हेड रूम और भी कम हो जाता, तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है कि आपका एंगल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे स्पेस अच्छा है तो आप आराम से पैर फैला सकते हैं। फ्रंट सीट लेकिन थोड़ी नीचे है तो वहाँ पे आप नीचे ज़्यादा पैर वगैरह नहीं फैला सकते हैं। USB टाइप सी दोनों सीटों के यहाँ पे पीछे दे रखे हैं और AC वेंट्स यहाँ पे इन्होंने पिलर के अंदर लगा रखा है, तो थ्रो ऑफ एयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपको LED लैंप्स भी आते हैं जिनका अगेन थ्रो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप चाहे तो ऐसे आप निकाल लीजिए, यहाँ पे 2 बड़े बेवरेज होल्डर रखे हैं। सीट फैब्रिक, सीट क्वालिटी, ओवरऑल कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और शीशे भी पड़े हैं तो आपको ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक वगैरह नहीं लगेगा इस कैबिन के अंदर। मेरे हिसाब से बैक को देंगे रिस्पेक्टेबल स्कोर 8 का 10 में से। वेल, तो जल्दी से हम आपको डिक्की दिखाते, गाड़ी की बूट दिखाते, पावर्ड है टेल गेट, तो यहाँ पे आपको एक हल्का सा बटन दबाना है ऐसे और पीछे होना है और ये देखिए अपने आप खुल जाएगा बहुत ही एफर्टलेस गाड़ी हिसाब से। अगर आप इसे ऐसे हटाते हैं जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एक छुपाने के लिए सेल्फ टाइप का, तो यहाँ पे अच्छा स्पेस है। लोडिंग सिल बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं ट्रे को और भी आपको स्पेस मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप छुपाना चाहते हैं तो आप उसे नीचे रख सकते हैं और इसको आप ऐसा हाइड कर सकते हैं और एकदम फ्लैट लोडिंग एरिया बन जाता है। बड़े 3 सूटकेस आराम से रख सकते हैं और थोड़ा सा सामान उसके ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पार्सल सेल्फ को आप हटा सकते हैं, तो ओवरऑल कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दूंगा डिक्की को एक अच्छा स्कोर 8 का 10 में से। सबसे अच्छी बात यह कि पावर्ड है तो कसरत करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वेल, पहले मैं आपको इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सारे बताता हूँ। 77 किलो वॉट आवर बैटरी पैक इसमें आता है,
साथ ही साथ ये बनाती है 300 bhp ज़्यादा पावर और 600 न्यूटन मीटर से ज़्यादा का टॉर्क, और ऑफ कोर्स क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो एक ही ट्रांसमिशन है, ऐसा नहीं है कि गियर्स वगैरह ऊपर नीचे होते हैं, तो सीमलेस ट्रांसमिशन है इसका। साथ ही साथ इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। ऐसे मैंने दबाया तो आप नॉर्मल मोड, और दोबारा दबाया तो स्पोर्ट मोड में चले गए। ऑब्वियसली स्पोर्ट मोड में इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही इन्हांस हो जाती है, स्टेयरिंग व्हील भी थोड़ा सा भारी हो जाता है, लेकिन बैटरी जल्दी गिरती है और जो पावर की रेंज है वो आ गई है 275 किलोमीटर पे। अगर मैं डालता हूँ इकोनॉमी में तो करीब करीब 10% बढ़ जाती है, और अगर डालता हूँ नॉर्मल में तो वो 5% थोड़ी इकोनॉमी से कम हो जाती है। तो आई थिंक द इकोनॉमी मोड इज द बेस्ट मोड टू चूज़। ऑफ कोर्स द स्पोर्ट मोड इज फॉर द एंथुसियास्ट। अब इस गाड़ी में आपको फास्ट चार्जिंग यानी कि 10% से 80% चार्ज ये आधे घंटे में भी ले लेती है, वो वाली फैसिलिटी भी आपको इसमें मिलती है। अगर आपको 50 किलोवाट का चार्जर मिल जाता है कहीं पे, अगर आपको बड़ा चार्जर मिल जाता है, सुपर चार्जर टाइप का मिल जाता है तो, और वाकई अगर उसके अंदर चार्ज वगैरह टाइम से आता है तो ये गाड़ी उसको भी उठा के विद इन हाफ एन आवर 10-20% अपनी बैटरी को चार्ज कर लेगी। साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि लो स्लंग है, इवन दो इट्स SUV डिज़ाइन तब भी ये लो स्लंग गाड़ी है तो आपको एक स्पोर्टी फील देती है, स्पोर्टी फीडबैक आपको देती है, तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिव चीज़ है उन लोगों के लिए चाहते हैं एक स्पोर्टी गाड़ी चलाना। मुझे इस गाड़ी की जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि जो इसके टायर्स का ग्रिप लेवल है वो बहुत ही आलीशान है, बहुत ही बढ़िया ग्रिप देते हैं टायर। ब्रेकिंग एफर्ट भी बहुत अच्छा है क्योंकि सब जगह डिस्क ब्रेक है। 235 सेक्शन के टायर है 19 इंच के व्हील्स के ऊपर, बहुत ही बढ़िया राइड कम्फर्ट है। एक अगर चीज़ आप बोलेंगे इस गाड़ी का हाईलाइट पैकेज क्या है, देन दैट हैज़ टू बी द राइड कम्फर्ट। जो राइड है इस गाड़ी का वो सेकेंड टू नन है, कोई भी और गाड़ी इस प्राइस पॉइंट पर नहीं कर सकती। मर्सिडीज़ की अभी हमने रिसेंटली EQA चलाई थी, उसका भी राइड अच्छा है लेकिन थोड़ा स्टिफनेस उसके राइड के अंदर मौजूद है, और स्टिफ राइड होने की वजह से थोड़े से जो रबल स्ट्रिप्स वगैरह होते हैं उसके अंदर एंटर कर जाते हैं इस गाड़ी का, लेकिन राइड कम्फर्ट मुझे बहुत ही आलीशान रहा। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ले कि जो इसका स्टेयरिंग व्हील है इसका रिस्पॉन्स वाकई बहुत ही आलीशान है, और बहुत ही एक्यूरेट स्टेयरिंग व्हील है, बहुत ही फीलसम स्टेयरिंग व्हील है। अगर आप एक एंथुजियास्ट ड्राइवर है तो इसको आप ट्रैक पर ज़रूर ले आ सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। और तीसरी बात जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि इसके अंदर शोर शराबा नहीं आता है। मैं इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, इंजन तो इसमें है ही नहीं, बाहर का भी जो शोर है जो नॉइज़ होती है जैसे कि रोड नॉइज़ होती है, टायर नॉइज़ होती है, विंड नॉइज़ होती है, वो नहीं आ रही है। अगर आप ट्रैफिक में भी लेके निकलते हैं तो बाहर की आवाज़ ज़्यादातर भारी रह जाती है, थोड़ी बहुत तो देखिए आएगी अंदर क्योंकि फिजिक्स के जो रूल्स हैं उनको पूरी तरह नेगेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली द कैबिन इज़ ए वेरी वेल कोकून्ड प्लेस और आपको इसके अंदर बैठ के अच्छा लगेगा। अगर बात करते हैं हम कुछ और सेफ्टी फीचर्स की, तो HUD डिस्प्ले के अंदर आपको मैप्स अगर आप पहुँच गए हैं तो मैप्स के साथ साथ ही आपको दिखाता है कि स्पीड लिमिट वगैरह किस रोड पर आप चल रहे हैं, वहाँ पर क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बड़ा स्क्रीन है इसके अंदर आपको बर्ड्स आई व्यू कैमरा मिलता है, यानी कि ऊपर से आपको सब दिख जाता है, 360 कैमरा है, सब तरफ से एंगल दिख जाता है गाड़ी का, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि गाड़ी काफ़ी लंबी है, 4.5 मीटर से लंबी गाड़ी है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि टाइट स्पेसेस में आप आराम से गाड़ी को फिर लगा सकते हैं विदाउट एनी इशूज व्हाट्सो एवर। अगर बात करते हैं विजिबिलिटी की, तो जो रेयर विजिबिलिटी है वो काफ़ी पुअर है, ये शीशा तो ठीक है लेकिन बीच में वहाँ पे 3 हेडरेस्ट है, साथ ही साथ जो लास्ट का शीशा है वो स्लॉट ज़्यादा दे दिया उसको, थोड़ा छोटा भी है वो शीशा, तो बड़ा होना चाहिए था। तो अगर आप पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे तो आपको पीछे इस चीज़ से बिल्कुल नहीं दिखेगा, बीच वाले से आपको साइड मिरर से ही देखना पड़ेगा कि पीछे ट्रैफिक कैसा है और कौन सी गाड़ी आ रही है। तो दैट्स समथिंग यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एंड दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू टेकिंग दिस कार आउट फॉर अ ड्राइव। एनीवेज मैंने अगर इसके ड्राइव डायनामिक्स को एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर 92 में से, इट रियली इज अ वेरी इंजॉयबल कार ड्राइव एंड अ वेरी इंजॉयबल पैकेज ओवरऑल। आप गाड़ी को रोकते हैं और आपको प्लस माइनस पॉइंट्स बताते हैं और फिर बताते हैं कि गाड़ी आपको लेनी चाहिए या आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। वेल मेरे हिसाब से इस गाड़ी को मिलना चाहिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोर 95/100 में से। जी हाँ, ये बेस्ट गाड़ी है EV सेगमेंट में इस प्राइस पॉइंट पर। अगर आप चाहते हैं एक लग्जूरियस, स्पेशियस, चलाने में अच्छी, राइड क्वालिटी के मामले में अच्छी, सेफ और वेल बिल्ट कार, तो ऐसा अच्छा पैकेज आपको भारतीय बाजार में इस वक्त इस प्राइस पर नहीं मिलेगा। देखने में बाहर से गजब लगती है, बहुत ही बेहतरीन है, और किया का जो सर्विस नेटवर्क है वो भी बहुत ही आलीशान है। इन शॉर्ट, सिंपली गो अहेड एंड बाय दिस कार इफ यू हैव अ बजट ऑफ 60-70 लाख रुपीज एंड वांट अ प्योर EV। 95/100